बनाते हैं आलू की सब्जी। एक कोई भी आप पैन ले लीजिए, उसमें डालिए 2 चम्मच ऑयल, कोई भी जो भी सरसों का या रिफाइंड ऑयल, जीरा डालिए और साथ में ही डाल दीजिए जो हमने मसाला बनाया था वो डालिए 2 से 3 चम्मच। इसके साथ ही मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर डालते ही मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि हमारे मसाले जो है ना जले नहीं और इसका कलर भी अच्छा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हल्दी पाउडर डाला है मैंने और साथ में ही मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच भर कर। और इसी के साथ अब मैं क्या करूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो मसाले हैं ना सारे आपस में लिपट जाए, क्योंकि हमने पानी तो डाला ही था। अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 से 3 गिलास। पानी डालकर अच्छे से इसको उबाला आने देंगे। ये आलू बहुत ही आसान है बनाने में, बहुत सिंपल आलू है और इसी तरह के आलू जो है ना कचौरी के साथ खाए जाते हैं, तो आप इन आलू को पूरी के साथ भी खा सकते हैं। अब आलू को पानी को उबाला आ गया है, ये आलू है 4-5 ये मैंने उबाल के रखे थे, इसको काटना नहीं है, बस ऐसे ही तोड़कर रफली और इसको इसमें डालते जाएंगे। इसी तरीके से सारे आलू डालने के बाद अब हम इसको कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम पर अच्छे से पकने देंगे ताकि आलू की जो रसा है ना वो अच्छे से पक जाए, आलू गाढ़े हो जाए। बहुत गाढ़े भी नहीं रहने चाहिए और बहुत पतले भी नहीं, मतलब कि आलू अच्छे से रसा में मिक्स हो जाने चाहिए और कलर भी अच्छा आ जाना चाहिए। तो अभी मैंने आलू को रख दिया है, कलर देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है। तो तब तक हम क्या करते हैं, ये देखिए पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ। अभी हमने नमक नहीं डाला था तो मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए और इसको अच्छे से भूनिए। कसूरी मेथी डाली है, साथ में ही मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला और इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने हींग डाली है, आधा चम्मच डाली है। कई लोग क्या करते हैं, पहले डाल लेते हैं तड़के के समय छोंक लगाते वक्त, पर मैं बाद में डालती हूँ, उससे फ्लेवर अच्छा बना रहता है। थोड़ा सा अमचूर डाला है और अब इसको मिलाकर हम इसको 10 से 15 मिनट और पका लेंगे धीमी आंच पर। तो आलू जो है लगभग हमारे पकने लग गए हैं, बहुत अच्छे से इसमें से खुशबू भी आ रही है और ये देखिए हमारे आलू तैयार।